हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है, तो वीवो फ़ोन के सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स है, तो लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में जो सिस्टम नेविगेशन सेटिंग्स है, लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग है, तो उसको आप कैसे सेट करेंगे। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सर्च करना है लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग। तो लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स यहाँ से शो हो जाएगी, जिसको आप सेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सेट कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज वगैरह को चेंज करना चाहें तो आप लैंग्वेज वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज को आप स्लाइड करके चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से आप ऐप लैंग्वेज वगैरह को चेंज करना चाहें तो ऐप्स की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है, तो यहाँ से जो भी ऐप्स की लैंग्वेज को चेंज करना चाहेंगे इस तरीके से आप चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से आप ऐप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, और साथ में रीजन्स वगैरह सेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का रीजन्स आप सेट करके यूज़ कर सकते हैं। फिर एडवांस सेटिंग्स शो होते हैं, जहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं, या फिज़िकल कीबोर्ड सेटिंग्स है तो इसको भी आप सेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिज़िकल कीबोर्ड सेटिंग्स भी सेट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट सेटिंग, इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और सेट करना चाहते हैं। या स्पेल चेकर सेटिंग्स है, इसको भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। या पर्सनल टेक्स्ट डिक्शनरी सेटिंग्स है, इसको सेट कर पाएंगे। या पॉइंटर स्पीड सेटिंग है, तो इसको भी यहाँ से सेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।